नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। इसी के साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने बिहार को जारी की 1,601 करोड़ रुपए। बिहार के उद्योग क्षेत्र में बदलाव की लहर, 10 लाख रोजगार के अवसरों की उम्मीद। बिहार में ऑनलाइन मकान और जमीन रजिस्ट्री शुरू। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर नीति रिपोर्ट पर जल्द लगेगी मुहर। दिनेश कार्तिक ने शुभमन गिल और ऋषभ पंत को बताया भारत का भविष्य। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार को जारी की 1,601 करोड़ रुपए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार को केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त के रूप में 1,601 करोड़ 53,85,000 रुपए की राशि जारी की गई है। इस घोषणा के तहत बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों को 775 करोड़ 3,41,000 रुपए वितरित किए जाएंगे। हर पंचायत को इस राशि का उपयोग अपनी आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार विकास कार्यों में करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें पिछले साल मिलने वाली 116.59 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। इसके अलावा बिहार के छोटे शहरों के स्थानीय निकायों के विकास के लिए 330 करोड़ 60 लाख 18 हजार रुपए की राशि जारी की गई है। छोटे शहरों के विकास में तेजी लाने और विशेष रूप से पेयजल, वर्षा जल संचयन और कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 495 करोड़ 90 लाख 26 हजार रुपए का बंधित अनुदान भी प्राप्त हुआ है। बिहार में उद्योग क्षेत्र में बदलाव की लहर, 10 लाख रोजगार के अवसरों की उम्मीद। बीते दिन बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना स्थित सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिसंबर 2023 में 278 कंपनियों ने बिहार में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन किए थे, जिनमें से 236 कंपनियों ने अब तक 36,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सूची में अडानी का अंबुजा सीमेंट प्लांट और कोको कोला कंपनी का प्रस्ताव शामिल है, जिससे 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मंत्री ने जानकारी दी है कि कई कंपनियों को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। बिहार अब पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन बनने की राह पर है। बिहार में कंप्रेस्ड बायोगैस की यूनिट स्थापित की जाएंगी। इसी तरह राज्य के सभी अनुमंडलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बिहार में बिजली बिलों के बकाया पर सख्त कार्रवाई। बिहार में बिजली के बकाया बिलों की वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हर रोज बिजली के कनेक्शन काटने का सिलसिला जारी है। दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में बताया कि अप्रैल से अगस्त के बीच औसतन हर दिन 797 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। इन महीनों में कुल 1,21,965 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया है, जो समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। कंपनी के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने कहा कि बकाया वसूली और बिजली चोरों के खिलाफ कंपनी का अभियान जारी है। अप्रैल से अगस्त के बीच 13,195 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 38.90 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 27.19 करोड़ रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। बिहार में ऑनलाइन मकान और जमीन रजिस्ट्री शुरू। बिहार में अब मकान और जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री जो है शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर स्वचालित रूप से चालान की राशि जनरेट हो जाएगी, जिसे बैंक में जमा करने के बाद अपलोड करना होगा। राशि अपलोड करने के बाद आवेदकों को रजिस्ट्री के लिए एक तारीख और समय ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने पर खरीदार और विक्रेता के आधार कार्ड और अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा और फोटो लिया जाएगा। इसके बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गया एयरपोर्ट में विंटर सीजन से शुरू होंगी नियमित इंटरनेशनल उड़ानें। 10 अक्टूबर से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 देशों के लिए नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी।
थाई एयर एशिया की उड़ान 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसके बाद 16 अक्टूबर को म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइंस, 30 अक्टूबर को म्यांमार एवरेज इंटरनेशनल, 2 दिसंबर को ड्रक एयरवेज और 16 नवंबर से भूटान एयरलाइंस की उड़ानें शुरू होंगी। म्यांमार एवरेज की उड़ानें सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध होंगी, जबकि म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइंस और भूटान एयरलाइंस की उड़ानें सप्ताह में 2 दिन चलेंगी। थाई एयर एशिया की उड़ानें पूरे सप्ताह उपलब्ध रहेंगी। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक बंगजीत शाह ने बताया कि इस साल श्रीलंका की विमान कंपनी भी गया के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर सकती है। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर नीति रिपोर्ट पर जल्द लगेगी मुहर। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की रिपोर्ट पर सरकार की मुहर जल्द लगने की उम्मीद है। शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली गठित कमेटी की रिपोर्ट अब 2 नए सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी। इस रिपोर्ट पर अब नए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमेटी के सदस्य के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इस कमेटी का गठन 8 जून को किया था और तब से अब तक कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं। रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार है और उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। कमेटी की अनुशंसाओं में शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन नीति, मृत शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति, विद्यालय टाइमिंग और शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग का पुनर्गठन शामिल है। बिहार में 15 गांव के लोगों के साथ साइबर ठगी। सरकारी योजनाओं के लाभ का झांसा देकर साइबर ठगों ने 2 जिलों के सीमावर्ती गांव में बैंक खाता खोलने के लिए कैंप लगा रहे हैं। ये ठग अनपढ़ और मजदूर वर्ग के ग्रामीणों को उनके आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर ठगने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों के नाम के खाते का साइबर ठगी में इस्तेमाल होने के कारण उन्हें अलग अलग थाने और राज्यों की पुलिस का नोटिस और कॉल आ रही है, जिसके बाद साहिबगंज, सिवाईपट्टी, मोतीपुर, कटरा और औराई जैसे इलाकों के 15 गांव के लोग साइबर थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। साइबर डीएसपी सीमा देवी ने जानकारी दी है कि ठग ग्रामीणों को झांसा देकर उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लोगों को डायल 112 पर सूचना देने की सलाह दी है। अक्षरा सिंह के खिलाफ अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। आज खगड़िया की अदालत ने भोजपुरी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षरा सिंह की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री हिम शेखा मिश्रा ने 6 सितंबर 2024 को अक्षरा सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले भी 12 मार्च 2020 को खगड़िया के ADJ पंचम की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने पहले ही उनके मुंबई स्थित गोरेगांव पते पर नोटिस भेजा था, लेकिन अब गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। बता दें अक्षरा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में खगड़िया के JNKT मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए चंदा इकट्ठा किया था, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी पहले ही खारिज हो चुकी है। शराब माफियाओं का हमला, थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी हुए घायल। नालंदा के हरनौत स्थित चेरो गांव में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। SI भीम पासवान के मुताबिक थानाध्यक्ष विकास कुमार को गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम चेरो गांव पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने शराब पीते 3 नशेड़ियों को पकड़ा और पूछताछ की। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें उन पर पत्थर भी फेंके गए। SI भीम पासवान ने कहा कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया है। सभी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए कल्याण बिघा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। अब आधुनिक हेलीकॉप्टर से उड़ाने भरेंगे बिहार के VVIP। बिहार सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के अति विशिष्ट और विशिष्ट लोगों के लिए अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट वेट लीज पर लेने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 1 7-8 सीटर 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर और 8-10 सीटर एयरक्राफ्ट वेट
लीज पर लेने की तैयारी पूरी कर ली है। ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पूरे देश में उड़ान भरने में सक्षम होंगे और इसी माह बिहार में आने की संभावना है, जहां हेलीकॉप्टर का परिचालन 5 साल के लिए होगा, वही एयरक्राफ्ट का 1 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइट सिमुलेटर के लिए 3 नवीनतम यूनिट्स खरीदने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे पायलट प्रशिक्षण को और बेहतर किया जा सकेगा। डॉक्टर ए सिद्धार्थ के आदेश पर पटना में लिपिक को किया गया निलंबित। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ के आदेश पर पटना में एक सरकारी सेवक को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। मामला पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां एक लिपिक पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए घूस मांगने का आरोप है। स्वर्गीय राहुल कुमार की पत्नी गुड़िया कुमारी ने अपर मुख्य सचिव को आवेदन देकर बताया कि मनोज कुमार, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में लिपिक हैं, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनसे अवैध राशि की मांग की, जिसके बाद जांच की गई और जांच में ये सही भी पाया गया। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने तत्काल प्रभाव से मनोज कुमार को निलंबित कर दिया है। पुलिसकर्मियों के लिए थाना परिसर में होगी आवास की सुविधा। अब सिपाही से लेकर दरोगा रैंक तक के पुलिसकर्मियों को थाना परिसर में ही रहने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राज्य में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा 9,500 से अधिक सिपाहियों के रहने के लिए बैरक का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से करीब 27,000 सिपाहियों के लिए 300 से अधिक भवन पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और शेष का निर्माण जल्द पूरा होगा। महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 600 थानों को चिन्हित किया गया है, जहां महिला पुलिसकर्मियों के लिए बैरक का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही पुराने थाना भवनों को तोड़कर नए भवन भी बनाए जाएंगे, जिनमें पुलिस पदाधिकारियों को रखा जा सकेगा। बालू कारोबारी सुभाष यादव पर ईडी की कार्रवाई। ईडी ने करोड़ों रुपए के अवैध बालू खनन मामले में ब्रांड संस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के 2 प्रमुख अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर ली है। बता दें कि कंपनी के निदेशक सुभाष यादव की पटना के संपत चक इलाके में स्थित 3 बड़े प्लॉट्स की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिनकी कीमत 44 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा प्रबंध निदेशक अशोक कुमार गुप्ता की देहरादून में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली संपत्ति भी जब्त कर ली गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 23 करोड़ रुपए है। इन दोनों की कुल मिलाकर 67 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई है। तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद अभियान आज से शुरू। आज से तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद का आगाज हो चुका है। इस विशेष अभियान का पहला चरण आज से शुरू है, 17 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। तेजस्वी यादव 10 और 11 सितंबर को समस्तीपुर में रहेंगे। इसके बाद 12 और 13 सितंबर को दरभंगा, 14 और 15 सितंबर को मधुबनी और अंत में 16 और 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर और वैशाली के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तेजस्वी यादव लोकसभा के 5 महत्वपूर्ण सीटों समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वैशाली पर विशेष ध्यान देंगे, जहां वर्तमान में एनडीए का कब्जा है। उनका उद्देश्य इन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट करना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। दिनेश कार्तिक ने शुभमन गिल और ऋषभ पंत को बताया भारत का भविष्य। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। कार्तिक ने भविष्यवाणी की है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत आगामी दिनों में भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों युवा खिलाड़ी पहले से ही आईपीएल में कप्तान रह चुके हैं और कुछ मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी का अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि वे निकट भविष्य में भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके साथ ही कार्तिक ने विराट कोहली और जो रूट के बीच टेस्ट क्रिकेट में श्रेष्ठता पर भी अपनी राय व्यक्त की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, वेद प्रकाश सिंह, सादुल्लाह पलवी, राम बाबू दास, अमित कुमार, रूपा कुमारी, रामा शंकर सिंह, मोहम्मद अरमान, नंद कुमार सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपका पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी कौन है और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।